नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग पाठ 10 का भाषा व्यवहार कराया था। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर और आनंददायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक पुराना मकान था। उस मकान में बहुत सारे चूहे रहते थे और उनका ही राज चलता था। उस मकान में रखे हुए अनाज के थैलों को उतार देते थे, अनाज इधर उधर गिर जाता था। कभी दूसरे चीज को इधर उधर कर देते थे तो कभी कपड़ों को ही कतरने लगते थे। और इससे भी ज्यादा गलती करते थे कि खाने वाले वस्तुओं को भी ये नाश कर देते थे। परिवार के सभी सदस्य इन चूहों से परेशान थे, लेकिन क्या किया जाए। परेशानी तो थी लेकिन क्या उपाय है, तो एक उपाय सुझा। परिवार के किसी सदस्य ने एक चूहों को पकड़ने वाला पिंजरा उठा लाया कि एक एक करके सभी चूहों को पकड़कर बाहर खदेड़ दिया जाएगा। उस पिंजरे के दरवाजे को खोलकर उसमें एक रोटी का टुकड़ा रख दिया गया ताकि जब चूहे लालच से अंदर आएंगे तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा और चूहे पकड़े जाएंगे। लेकिन देखिए, चूहे भी बहुत चालाक थे। घर वालों को और चिढ़ाने लगे। कैसे? उस पिंजरे पर चढ़ जाते थे और डांस करते थे। पिंजरे के अंदर नहीं जानते थे, क्योंकि जानते थे कि हम लोग फंसाने का एक तरीका है, इसलिए पिंजरे के अंदर न जाकर उसके ऊपर चढ़ जाते थे और डांस करने लगते थे। इससे परिवार वाले चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। लेकिन क्या उपाय है भाई, अब तो इन लोगों को फंसाने के लिए पिंजरा भी लाया गया, उसमें भी नहीं फंस रहे हैं, अब क्या उपाय है भाई? सब लोग परेशान थे। एक दिन घर का मालिक बाहर गया और बाहर से चूहों के अत्याचार से बचने के लिए एक बिल्ली को उठा लाया। अब बिल्ली को देखते ही सारे चूहे डर गए और अपने बिल में घुस गए। लेकिन कितने दिन, जब 2 दिन बीता तो सभी चूहों की बुरी हालत हो गई। किसी काम से बिल्ली भी कुछ समय के लिए बाहर गई थी। उसी समय सभी चूहे बिल से बाहर आए और एक जवान चूहे ने सबको बैठाकर एक सभा की और कहा कि भाइयों, यदि हमें चैन से जीना है तो हमें मिलकर बिल्ली का मुकाबला करना होगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। एक बूढ़ा चूहा बोला, तुम पागल है हुए हो, ये नहीं जानते कि बिल्ली आज तक कितने चूहों का शिकार कर गई, और सदैव ही बिल्ली चूहे का शिकार करती है, तो हम लोग उससे मुकाबला करके कैसे कर सकते हैं। जवान चूहा बोला कि देखिए,
यदि मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो भूख से मरना पड़ेगा। तो मरता क्या नहीं करता? अब हम चुप नहीं बैठेंगे और बिल्ली से डट कर मुकाबला करेंगे। क्यों भाइयों? सभी चूहों ने सोचा कि भूखो मरने से तो बढ़िया है लड़कर ही मरा जाए। सभी चूहों ने उस जवान चूहे का समर्थन किया। तब बूढ़े चूहे ने कहा, ठीक है मुकाबला किया जाएगा, लेकिन ये बताओ कैसे। कहता है कि देखिए, हम सबको मिलकर एक साथ बिल्ली पर अटैक करना होगा, आक्रमण करना होगा। जब बिल्ली आती है तो सब लोग एक साथ एक समय बिल्ली पर आक्रमण करेंगे। बिल्ली अपने आप डर कर भाग जाएगी, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। आप लोग हिम्मत मत हारिएगा और ये सावधान रहिएगा कि एक साथ ही अटैक करना है, एक साथ ही आक्रमण करना है, ये सावधानी बरतना ही होगा। एक एक करके आएंगे तो बिल्ली किसी को नहीं छोड़ेगी, इसलिए हम लोगों को एक साथ अटैक करना। ऐसा ही हुआ। जब बिल्ली बाहर से घर आई तो सभी चूहों ने अपने अपने बिल से एक साथ एक समय में बाहर निकले और बिल्ली पर एकाएक आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से सारे चूहों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। जब बिल्ली देखी कि अरे इतने सारे चूहे हम पर झपट्टा मार रहे हैं, बिल्ली उनकी एकता को देखकर डर गई और डर के मारे उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग गई। उस दिन से सारे चूहे आजाद होकर घर में रहने लगे। तो बच्चों, एकता में शक्ति होती है, हमें भी एकता को बना कर रखना चाहिए, क्योंकि अकेले अंगुली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब यही पांचों अंगुलियां मिल जाती है तो इसमें एक जबरदस्त शक्ति आ जाती है। तो बच्चे, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी काम एक साथ मिलकर करना चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो। तो आप बताइए, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये पाठ 11 है, जिस पाठ का नाम है बिल्ली और चूहे। मैंने इस पाठ को एक कहानी के रूप में आप लोगों को समझाया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। तो बच्चों, आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।